आज मैं लेके आया हूँ आपको दिल्ली के म्यूटनी मेमोरियल पे, जो कमला नेहरू रिज पे है, और ये काफ़ी खासा क्रिमिनल एरिया माना जाता है और मेन रोड पे ही है, लेकिन यहाँ पे छीना झपटी की बहुत वारदातें होती हैं। अंदर चौकीदार लॉक करके रहता है, वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। ये मॉन्यूमेंट एक चलते फिरते रोड पे है, जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनके घर के पास से ही ये रोड निकलती है, और बहुत ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल एरिया माना जाता है इस जगह को। यहाँ पे छीना झपटी वगैरह बहुत होते हैं, और मॉन्यूमेंट को आप देखेंगे तो ये मॉन्यूमेंट को डर के मारे लॉक करके रखते हैं गार्ड, और जब कोई आता है तो थोड़ी देर के लिए खोलते हैं, और फिर उसके बाद भी हल्ला करते रहते हैं कि आप जाइए बाहर, यहाँ पे परमिशन नहीं है 10 मिनट से ज़्यादा रुकने की। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे लॉक लगा रखते हैं। तो ये दिल्ली का म्यूटनी मेमोरियल 1857 में जो रिवॉल्ट हुई थी उसमें जितने ब्रिटिश सोल्जर मरे थे उनकी याद में बनाया गया है। तो यहाँ के बारे में एक और बात कही जाती है कि यहाँ पे रात में जो है एक ब्रिटिश सोल्जर का कटा हुआ सिर रहता है और वो यहाँ पे घूमता है, तो उस बात पे कितनी सच्चाई है वो लगता नहीं है यहाँ की बातें सुन के। यहाँ के लोकल्स जो हैं वो कहते हैं ये सब बकवास है, ऐसा कभी कुछ किसी ने देखा ही नहीं है, और ये अननोन बात है, इंटरनेट पे फैली हुई है सिर्फ, असलियत इसमें कुछ भी नहीं है। इस मॉन्यूमेंट पे, इस जगह पे लिखा है कि उस टाइम पे रिवोल्ट में कितने ब्रिटिश सोल्जर मरे थे और कितनों को चोटें लगी थी और कितने मिसिंग थे, जैसा ये लिखा हुआ है कि किल्ड 46 ब्रिटिश और वाउंडेड 140, और मिसिंग में कुछ नहीं लिखा, तो टोटल इतना, और जितने ऑफिसर्स मरे थे, ये सारी डिटेल इसी में इसी तरह से लिखी गई है। इस इलाके में चारों तरफ बंदर ही बंदर है, और बहुत ही जो है अग्रेसिव बंदर है, जो बार बार झपट रहे हैं यहाँ पे, बार बार हमला कर रहे हैं। इस जगह पे रात को कोई कटे सिर वाला भूत घूमता है ये तो हम इन्वेस्टिगेट कर ही लेंगे, और ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं कुछ। मैं मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस पिछली बार हो चुका है जिसमें मैंने कुछ आवाज़ें रिकॉर्ड करी हैं, जो मतलब एक्सीडेंटली रिकॉर्ड हो गई हैं, तो वो मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ, उस लिंक पर आप जाके देख सकते हैं कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देखते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं जो अब लॉक कर दी गई हैं, इसके ऊपर जाने का रास्ता था एक इसी टाइम पे। '1857 की रिवोल्ट के बारे में और भी डिटेल यहाँ दी गई है, यहाँ की अगर आपको फोटोज देखनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं और ये डिटेल पूरी पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से बाहर जाने का रास्ता, बात और जो हॉन्टेड वीडियो बनाते हैं बड़े यूट्यूबर्स के लिए, जो बोलते हैं कि उन्होंने कभी ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी, शायद उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो कभी अकेले नहीं गए ऐसी जगहों पे। तो मैंने ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं अपनी रिकॉर्डिंग में सुनी हैं, जिसमें साफ साफ आवाज़ें सुनी हैं, तो मैं सारे बड़े यूट्यूबर्स को ये कहना चाहता हूँ, जो विश्वास नहीं करते वो मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको ऐसी जगह पर लेके चलूँगा जहाँ पर मैंने ये आवाज़ें सुनी हैं, और वो इंटैक्ट रिकॉर्डिंग्स आपको दूंगा, और आप उसको देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, एकदम ओरिजिनल है वो। चलिए बहुत छोटा सा सही, लेकिन यहाँ का वीडियो हमने बना लिया, यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए और बताने के लिए कुछ नहीं है, तो जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, और उसके बाद ये बेल आइकन दबा दीजिएगा, और आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे वीडियोज़ के।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे भूतों का साया या कोई मिस्ट्री जरूर जरूर है।